स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि 5.5 बैंड पे अभी कनाडा वीज़ा क्यों दे रहा है, बट ये चीज़ हम नहीं जानते कि वो प्राइवेट कॉलेजेस पे वीज़ा आपको दे रहा है कनाडा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अब हमारे पास एटलीस्ट 3 to 4 ऐसे कॉलेजेस हैं जो पब्लिक हैं एंड एक में 5.5 या दो में 5.5 या फिर तीन में 5.5। देखो, 5 बैंड नहीं, 5.5 बैंड होने चाहिए। और आपका अगर ओवरऑल रिक्वायरमेंट 6.5 है ग्रेजुएशन की और आपके ओवरऑल 6 हैं, ईच भी 6 है, तो भी आप अपना पब्लिक कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? सबसे पहले, प्राइवेट कॉलेज वो कॉलेज होता है जो कि DLI के अंडर नहीं आता, जिसमें वर्क परमिट नहीं मिलता और जिसमें आपको PR भी नहीं मिलती। बाद में 2 साल का आपने प्राइवेट का कोर्स ले लिया, उसके बाद फिर से 2 साल का आप पब्लिक लोगे, ठीक है ना, डबल मनी, डबल टाइम वेस्टेज, ऑल राइट। फिर जाके आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करोगे, देन यू कैन गो फॉर PR। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट पब्लिक कॉलेज में क्या चीज़ होती है, आपका वो DLI के अंडर होता है, दैट मीन्स पोस्ट अपना ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, विद दैट यू कैन गो फॉर PR। अब ये कॉलेजेस हर एक के पास नहीं है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स फ़ोन पे काम करवाते हैं, पहले भी हमने वीज़ाज लेके दिए हैं पब्लिक कॉलेजेस के, बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप पंजाब एरिया के हो, अगर आप बठिंडा के नियर बाय हो, देन मेक श्योर टू विजिट, ताकि आपके सामने ही आपका सारा का सारा फाइलिंग का काम हो और पब्लिक कॉलेज का हो। आप कहीं से भी लगवाओ, इट्स फाइन, बट देख के लगाओ। अगर हमारे पास लगा रहे हो तो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड पब्लिक कॉलेजेस टू यू। बाकी गिवन नंबर्स हैं, अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल। थैंक यू।